हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम। आप देख रहे हैं मॉडर्न मिरर। तो देखिए, अभी आज तक आप लोगों ने बहुत परेशान थे कि आपका स्पेशल बैक पेपर का डेट नहीं आ रहा। तो देखिए, आपका स्पेशल बैक पेपर का जो आपका टाइम टेबल आ चुका है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको बस अपनी तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, अब यहाँ से चलिए हम देख लेते हैं पहले UPPT की ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट पर हम चलते हैं, यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला, सब सब्जेक्टिव होगा। इसमें क्वेश्चन दे देगा, आपको आंसर करने होंगे, अभी कॉपी भी करने होंगे। ऐसा नहीं कि इसको ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपकी गलत फहमी नहीं रहना आपको। यहाँ से देखिए, आपके तीन यहाँ से आए हुए हैं, तीन नोटिफिकेशन आपके है। पहला आपका दिया प्रपोज एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड दिया गया प्रपोज एग्जामिनेशन शेड्यूल स्कीम स्कीम फॉर ओनली बैक पेपर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपका प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम फॉर बैक पेपर फॉर फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर। तो देखिए, यहाँ से हम सेकेंड वाले को ओपन कर लेते हैं जो बैक पेपर का है। ठीक है, इसको हमें करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से देखिए, आपको सारी जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन है, जितने भी आपका बैक पेपर है उसमें आप देख सकते हैं, जिन जिन सब्जेक्ट का आपका बैक पेपर, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें सिविल का सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आप सिविल का सर्च भी कर सकते हैं आप यहाँ से, कि आपसे ब्रांच वाइज, ऐसा नहीं कि सिविल का आपके, आप हर एक ब्रांच वाइज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और जो भी इसमें बैक पेपर है वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ से सारे डेट देख सकते हैं। ठीक है, और अगर यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से, जैसे देखिए हम ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमें करना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का देखिए, यहाँ से अगर आपको क्या डेट दे दिया गया, 29 तारीख को आपका होगा। ठीक है, इसको हाइड्रोलिक्स का दे दिया 29 तारीख। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो आपका 30 तारीख को दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे जो भी आपके यहाँ से, जिसमें भी आपका बैक है, यहाँ से जाकर के बिल्कुल आप देख लीजिए। बाकी मैं आपसे इतने कहना चाहूँगा, प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि आपका बैक है तो आपको ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है इस बार, और आप अच्छे से तरीके से पढ़ाई करिए, बाकी आपका एग्जामिनेशन तो क्लियर हो ही जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो कब लगे तो मैं चैनल सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।